Hi guys, today I'm just making this video क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ हर जगह पे हम लोग COVID-19 को लेके कितना डर रहे हैं भी कितना कितनी जानलेवी बीमारी है एक पर हम लोगों में कोई कोई है जो समझ ही नहीं रहा है कि क्या है क्या नहीं है इससे क्या हो सकता है राइट हम लोगों के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी इज आल्सो सेइंग घर में रहो सेफ रहो डू नॉट रोम अराउंड बट स्टिल वी आर नॉट इवन लिसनिंग टू हिम समटाइम्स मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये बात समझना इतना डिफिकल्ट है क्या कि इससे कितने लोग मर रहे हैं क्या क्या हो रहा है इसमें आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि घर में क्यों बोल रहे हैं बैठने के लिए कोई कोई तो है मस्जिद में जाके यू नो लाइक नमाज पढ़ना ये वो अरे यार भगवान भी नहीं बोला है आप लोगों को कि अभी नमाज पढ़ो नमाज पढ़ना बुरी बात नहीं है दिस इज अ वेरी गुड थिंग बट अभी सोशल गैदरिंग नहीं करना है क्योंकि इससे ये चीज़ बढ़ता है इससे ये चीज़ फैलता है क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है कि किसको है किसको नहीं है राइट बट स्टिल वी आर नॉट इवन लिसनिंग टू एनीबडी बिकॉज वी थिंक दैट वी आर सवा शेर हम लोगों को तो कुछ होगा नहीं हम लोगों को कुछ नहीं हो सकता दिमाग में एक चीज़ अच्छे से बैठा लीजिए आप लोग कि जब तक हम लोग सुधरेंगे नहीं तब तक ये जो लॉकडाउन सिचुएशन है ये जाएगा नहीं वी आर स्टक एवरीवेयर वी आर नॉट इवन अलाउड टू गो आउट टू इवन परचेस द नेसेसरी थिंग्स समटाइम्स पुलिस पेट्रोलिंग हो रही है पुलिस लिटरली लाठी चार्ज कर रही है मार रही है सबको This is the time when we need to be together. We need to fight it together. यहाँ पे there is no community, there is no जात पात कि हम हिंदू हैं हम मुस्लिम हैं हम क्रिश्चियन हैं हम साई हैं हम यहूदी हैं हम पारसी हैं ऐसा कुछ नहीं है We all are human being and this is the time we need to be together. We need to understand the severity of the situation, which we are not exactly. I'm just a normal person, normal human being, right? But यहाँ पे जो दिग्गज बैठे हैं who actually make sense sometimes, like whenever they are saying something, that means that there is some severity which we need to understand, which we need to obey. But देखिए हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता यार जाके हम लोग social gathering कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता कि you know like ये corona virus फैले ना फैले Yesterday I was watching a video where people used to spit in the hospital. Okay, just to make sure कि ये और फैल जाए ये क्या है मतलब what is this यार seriously? डॉक्टर के ऊपर थूक फेंक रहे बताओ Is it the humanity? This is the thing which we are so proud of, that we are so much educated. सीरियसली आई जस्ट कॉन्ट बिलीव इट डॉक्टर लोग जो लोग चेकअप करने गए हैं उन लोगों को लिटरली पकड़ के मार रहे हैं सर कि क्यों चेकअप करने आए हो बताओ मतलब अब चेकअप भी मत करो करोना वायरस फैलने दो फिर इटली और चीन जैसा हाल हो जाएगा इंडिया में यही चाहते हैं आप लोग जब गवर्नमेंट बोल रही है कि घर पे रहिए सेफ रहिए बाहर मत जाइए क्योंकि दिस इज नॉट द सिचुएशन टू गो आउट एंड रोम अराउंड कोई कोई तो इस चीज़ को मतलब मजाक बना के रख दिया जहाँ पे करोना वायरस इज एक्चुअली पोर्ट्रेटिंग इटसेल्फ दैट ही लाइक इट्स अ एक्शन हीरो वी आर जस्ट थिंकिंग दैट ही इज अ जॉनी लीवर ही इज अ कॉमेडी इट्स अ कॉमेडी सीरियसली इज दैट द एजुकेशन व्हिच वी आर सो प्राउड ऑफ आप लोग को ये लगता है मैं खुद हैदराबाद में हूँ आई अंडरस्टैंड द सिचुएशन ओवर हियर People are literally getting beaten sometime by police because
Police are patrolling everywhere, all the time. ये आपकी भलाई के लिए है कि आपको ना हो, आपसे और किसी को ना हो, कि आप सेफ रहें, आपकी फैमिली सेफ रहे. जब हम लोगों को टाइम नहीं मिलता था अपने फैमिली से, फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए, तब हम लोग मर जाते थे कि इतना काम है, नहीं हो पा रहा है, फैमिली के साथ टाइम नहीं दे पा रहा है, ऑफिस इतना काम कर रहा है. अब जब ऑफिस बोल रहा है भैया बैठ घर में बैठ के काम करो, मत निकलो कहीं पे, ये बहुत बहुत यू नो लाइक तकलीफ वाला बात है हम लोगों के लिए कि हम लोग घर में कैसे बैठे. घर में बैठे अभी तो हम लोग को प्रेजेंटेशन देना है, अभी तो हम लोग को पावर पॉइंट सबमिट करना है, अभी तो हम लोग को लंथ फंथ सब काम करने हैं, है कि नहीं यार. मतलब चूतिया पे हद होता है पहली बात, और सेकंड बात थिंग कि इंडिया का पॉपुलेशन जो है अगर वो इन्फेक्टेड होने लगा तो ये इटली चीन सब पीछे आ जाएंगे और इंडिया फर्स्ट में आ जाएगा, क्योंकि इंडिया में मेडिकल कंडीशन इज नॉट दैट गुड. इफ यू विल बाय चांस गेट इन्फेक्टेड देन यू विल देयर इज नो एश्योरेंस दैट यू विल बी एबल टू यू नो लाइक गेट ट्रीटेड लाइक द वे चाइनीज एंड द इटली गवर्नमेंट ट्रीटिंग देयर पीपल. Because we don't have that medical situation right at the moment. We are not that advanced. हम लोग हमेशा government को गाली देते हैं, मोदी को गाली दो, government को गाली दो, क्यों नहीं हो रहा है चीज़. अरे पहले खुद सुधर जाओ यार. एक चीज़ जो तुम समझ नहीं रहे हो, एक simple सा चीज़, पहले वो समझो कि क्यों नहीं समझ रहे हो. Situation क्या है, severity क्या है, क्यों लोग बोल रहे हैं कि बाहर मत निकलो. You are not understanding this. And you are blaming government that government is not doing anything. लोग जब government free में you know like चावल दे रही, दाल दे रही है, घर में बैठने के लिए खाना दे रही है, तब I don't want to blame any community over here because this is not personal. लोग जाके एक परिवार से 10 लोग जा रहे हैं, उठा रहे हैं. जब पूछ रहे हैं कि यार आप लोग तो एक ही परिवार के हो तो आप लोग 10 लोग मिलकर राशन लाने क्यों पहुंच गए, दे आर सेइंग दैट वी विल सेल इट, बेचेंगे इसको अच्छे भाव में. बिजनेस का टाइम नहीं है, बिजनेस का टाइम अगर जिंदा रहोगे तो बिजनेस कर पाओगे, अगर जिंदा नहीं रहोगे तो कैसे बिजनेस कर पाओगे. एक सिंपल सी चीज जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रही, आप लोगों को लगता है कि ये बहुत टफ वाला सिचुएशन है, वो भी नहीं लग रहा है. अगर वो लग रहा होता तो शायद आप लोग ये नहीं करते, ये हरकतें नहीं करते जो आप कर रहे हो. यार समझो बात को, अगर कोई बोल रहा है तो अच्छाई के लिए बोल रहा है. इसमें व्हेन ईच एंड एवरी बॉडी इज कमिंग अलोंग टुगेदर टू यू नो मेक आवर सेल्फ अवेयर ऑफ द सिचुएशन. आपने कभी देखा है कि कोई पार्टी बोला है कि अभी बंद रहेगा, हाँ तो दूसरी पार्टी अपोज नहीं कर रहा है, हर टाइम ये होता है. पर अभी सब पार्टी मिलके बोल रहे हैं भैया घर पे रहो, देर इज नो पॉलिटिक्स. दिस इज द थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देर इज नो पॉलिटिक्स एंड वी आर नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी, वी आर अगेंस्ट COVID-19 विच इज रैपिडली स्प्रेडिंग आउट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड एंड नॉट ओनली अस, ऑल द पीपल ओवर द वर्ल्ड इज फेसिंग द सिचुएशन. आज इटली खाली हो गया. आज मेरा एक दोस्त चाइना में है जो डॉक्टरी पढ़ रहा है, लिटरली वो बोल रहा है कि भाई यहाँ पे गवर्नमेंट जो आंकड़े बता रहे हैं कि इतने लोग मरे हैं और इतने लोग यू नो लाइक अभी भी अंडर ऑब्जर्वेशन है, दिस इज टोटली मिथ. 1.5 लाख से ऊपर लोग मरे चाइना में, कैन यू इमेजिन 1.5 लाख. ये कोई वायरल फीवर नहीं है भैया, दिस इज अ सीरियस कंडीशन विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. Please understand the situation. This is my request to you. Understand the situation. Please do not do the same galti, whatever Italy, you know, did. अभी इटली बोल रहा है कि भैया जो गलती हम लोगों ने की है वो आप मत करो. क्यों बोल रही है? उसको क्या करोड़ों रुपए देंगे यूनाइटेड नेशन से कि भैया आप इसका ऐड करो, दिस इज ए प्रोडक्ट विच वी हैव लॉन्च्ड इन द मार्केट जिससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा बाद में जाके जब इसका एंटीडोट तैयार होगा. साला एंटीडोट भी नहीं है इसका, मतलब अगर आपको हो गया बाय चांस तो एंटीडोट भी नहीं है जो आपका इलाज कर सके, क्या फायदा. एक चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आती है, सिंपल सी चीज़,
यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ बोल के नहीं है, मैं तो एक आम इंसान हूँ, यहाँ पे बड़े बड़े लोग जो हैं वो लोग बोल रहे हैं आप लोगों को सेम थिंग, बट यू गाइज आर यू नो लाइक समथिंग एल्स, यू गाइज डोंट केयर वट एवर यू नो लाइक दे आर सेइंग, कोई फर्क ही नहीं पड़ता आप लोगों को यार, फैलाओ उसको अच्छे से, थूक दो चारों तरफ, जो इन्फेक्टेड है उस वो डॉक्टर के ऊपर थूक रहा है, एक वीडियो मैंने देखा, व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमैनिटी इज दिस इज, मतलब अगर खुद मर रहे हो तो दूसरों को साथ में लेके जाके मरो, दैट्स ऑल यू आर ट्राइंग टू लाइक डू ओवर हियर राइट, आई रियली डोंट नो दैट हाउ मच टाइम इट विल लास्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, बट द कंडीशन विच आई कैन सी इट्स प्रिटी मच डेंजरस राइट नाउ, एंड इफ वील कंटिन्यू डूइंग दिस देन वी विल बी इन सीरियस ट्रबल, प्लीज अंडरस्टैंड दैट कोविड-19 इज नॉट ए जोक, महामारी बोलते हैं इसको, एंशियंट टाइम में जिसको जिससे लोग डरते थे, अभी पता नहीं लोगों का बुद्धि कहाँ चला गया, आई डोंट नो, बट दे आर नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन राइट एट द मोमेंट, कभी कभी इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं मैं, लगता है कि चल क्या रहा है, अभी रिसेंटली न्यूज में आया शायद सितंबर तक फिर से लॉकडाउन होने वाली है, कैन यू इमेजिन, इससे देश का जो इकोनॉमी है वो कहाँ जाएगा, कितने लोग अपने नौकरी से हाथ धो रहे हैं ऑन ए डेली बेसिस, डू वी अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग, एक आदमी का जॉब नहीं, जॉब अगर नहीं रहा है वो खाना कैसे खाएगा, वो पैसे कमाएगा कहाँ से, अभी बाहर जाके वो पैसे कैसे कमाएगा, सो दिस इज माई रिक्वेस्ट टू यू गाइस, द पीपल हु हैव गॉट दिस फैसिलिटी वर्किंग फ्रॉम होम प्लीज यूटिलाइज इट, स्पेंड सम टाइम विथ योर फैमिली, बिकॉज दिस इज द टाइम विच यू वर लुकिंग फॉर व्हेन यू डिडेंट हैव दिस, सो व्हेन यू आर गेटिंग दिस यूटिलाइज इट, प्लीज मेक श्योर दैट यू विल बी एट होम एंड ऑल्सो लेट द अदर्स नो दैट दे नीड टू स्टे एट होम एट दैट पर्टिकुलर टाइम, दिस इज समथिंग विच वी नीड टू फाइट टूगेदर, वी नीड टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19, अनलेस एंड अंटिल वी विल अंडरस्टैंड दिस एंड वी विल डू इट, इट विल नॉट गेट डिमोलिश, सो दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू हुम एवर इज वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज डू नॉट टेक इट लाइटली, दिस इज नॉट अ लाइट थिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज दिस इज नॉट अ वायरल फीवर कि एक दो दिन है उसके बाद चला जाएगा, दिस इज करोना विच इज डेंजरस वट एवर वी थिंक, द प्रॉब्लम इज दैट वी डू नॉट सी द वीडियोज वेयर लॉट ऑफ पीपल गेटिंग डाइड, आप वो छोड़िए, अगर आप मर भी गए आपका बॉडी नहीं मिलेगा आप आपके घर वाले को, आप कहाँ पे दफन कर दिए जाओगे वो पता भी नहीं चलेगा किसी को, कैन यू अंडरस्टैंड दिस, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड द सिचुएशन, प्लीज वर्क अकॉर्डिंगली, प्लीज बी सेफ एट योर होम, प्लीज डू नॉट गेट आउट फ्रॉम योर होम एंड प्लीज ओबे वट एवर यू नो लाइक आवर गवर्नमेंट इज सेइंग, इफ ही इज सेइंग एनीथिंग ही इज सेइंग फॉर आवर बेनिफिट फॉर ऑल ऑफ अस, दिस इज नॉट द टाइम टू डू पॉलिटिक्स, दिस इज द टाइम टू स्टैंड अगेंस्ट दिस कोविड-19, आई डोंट वॉन्ट टू टेल एनीथिंग मोर, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।